This is a question of vector November 2010 paper 1-2 was the question number 24 है. This is the diagram of this question. In the diagram A B vector जो है वो P के equal है. ये देखें A B vector जो है that is equal to P. C A जो है वो Q vector represent कर रहा है उसको. D C is equal to 3 AB. DC is equal to 3AB, ये एक इसको बोलते हैं रिलेशन. DC और AB में एक रिलेशन है. DC ये है और AB ये है और DC ये है. DC और AB में एक रिलेशन है कि DC is equal to 3AB. AB हमें दिया हुआ P, तो फिर DC कितना होगा 3 टाइम P का कितना होगा 3P. तो यहां हम लिख सकते हैं 3P कि DC जो है दैट इज 3P. अब हमने फाइंड करना है डी ए फाइंड करना है. तो डी ए जो है ये वेक्टर है. तो डी ए वेक्टर फाइंड करने के लिए हम हैड टू ए रूल यूज करेंगे. डी ए वेक्टर होगा डी सी प्लस सी ए. डी सी प्लस सी ए जो होगा वो डी ए वेक्टर होगा हैड टू ए रूल. तो यहां पे हम लिखेंगे डी ए वेक्टर जो है हेड टू टेल रूल ये है कि डी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर. तो डी सी जो है हमारे पास वो क्या है, डी सी जो है 3P है. सो 3P प्लस सी ए. सी ए कितना है दैट इज गिवन वो क्यू है. तो सो दिस इज क्यू. तो डी ए हमारे पास आया 3P प्लस क्यू. ओके नेक्स्ट पार्ट. तो डी ए यहां पे आंसर लिखना है हमने आंसर स्पेस में 3P प्लस क्यू. नो बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई इज अ पॉइंट सच दैट बी ई इज इक्वल टू के क्यू. बी ई इज इक्वल टू के क्यू. के एक स्केलर है और क्यू वेक्टर है. ये देखिए क्यू जो है वो एक वेक्टर है. सी ए जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है. क्यू इज ए वेक्टर और यहां पे ये क्या है एक स्केलर है. तो ये कंडीशन है पैरेलल वेक्टर की. बी ई वेक्टर इज के टाइम ऑफ अनदर वेक्टर दैट इज क्यू. तो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ये कंडीशन होती है पैरेलल वेक्टर्स के लिए. ये देखें एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है. ये सपोज ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है. तो ये क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इनको हम लिख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का के टाइम ऑफ दूसरा वेक्टर होगा. ए इज इक्वल टू के टाइम ऑफ बी. फॉर एग्जांपल ये देखें यहां पे अगर ये वेक्टर ए है तो ये हम 3A कह सकते हैं. 3A इसका मतलब है कि ये इस वेक्टर का ये वेक्टर 3 टाइम्स है. तो ये कंडीशन यूज हुई है यहाँ पे. बी ई वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू क्यू. तो पैरेलल टू क्यू बी ई. अब हमने ई राइट डाउन द नेम गिवन टू द स्पेशल कोऑर्डिनेटर ए सी बी ई. अब बी ई वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू क्यू वेक्टर. तो हम यहां पे इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि सी पॉइंट हम सपोज हम ले लेते हैं. ई पॉइंट जो है वो हम यहां पे ले लेते हैं. ई इज हेयर. तो बी क्लियरली बी ई जो है दैट इज पैरेलल टू सी ए क्योंकि सी ए को क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहां पे एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगी अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. अगर हम ए को ई के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेटर बन गई है.
let this point is E और बी ई जो है, ये देखिए बी ई जो है दैट इज पैरेलल टू सी ए, सी ए किसके इक्वल है, ये क्यू के इक्वल है। अब ये देखें दो साइड पैरेलल है, सी ए और बी ई जो है ये आपस में पैरेलल है, बी ई एंड सी ए आर पैरेलल, बी ई एंड सी ए आर पैरेलल, यहां पे पैरेलल शो कर लेते हैं कि वो पैरेलल है बी ई सी ए के। तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल, सी ए और बी ई पैरेलल है दो साइड, और ये दो साइड बी सी और ई ए जो है नॉन पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी फिर, ये क्वाड्रिलेटरल जो है दो साइड पैरेलल दो नॉन पैरेलल है, तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाती, तो सो We will write here trapezium. इसके बाद सेकेंड पार्ट है एक्सप्रेस ए ई इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड के। ए ई यहां फिर हम हेड टू टेल रूल यूज करेंगे, ए ई जो है ए ई ए ई वेक्टर जो है वो होगा ए बी प्लस बी ई, ए ई प्लस बी, ए ई वेक्टर जो है ए बी प्लस बी ई। तो वी कैन राइट ए ई वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, और ए बी आपके पास है पी और बी ई जो है वो दैट इज गिवन के क्यू, बी ई गिवन है, ये देखिए ये बी ई जो है दैट इज गिवन के क्यू, तो सो ए ई जो है पी प्लस के क्यू, पी प्लस के क्यू। इसके बाद है थर्ड पार्ट, गिवन दैट डी ए एंड ई लाई ऑन स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तीन पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये डायग्राम देखें, डी ए ई लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, तो डी ए और ई पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये पैरेलल भी होते हैं, ये फॉर एग्जांपल डी ए पैरेलल टू ए ई भी हो सकता है और डी ई पैरेलल टू डी ए भी हो सकता है, तो सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो सो वी कैन यूज हेयर पैरेललिज्म कंडीशन। तो पैरेललिज्म कंडीशन यूज करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो सो वी कैन राइट डी ए वेक्टर सपोज एच टाइम्स ऑफ ए ई। अब हमारे पास ए ई वेक्टर भी है और डी ए वेक्टर भी है, तो यहां पे इनके वेक्टर्स लिख देंगे फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो सो डी ए वेक्टर जो है वो थ्री पी प्लस क्यू है और एज टाइम्स ऑफ ए ई वेक्टर जो है दैट इज पी प्लस के क्यू। अब एज को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है, तो थ्री पी प्लस क्यू लेफ्ट साइड, राइट साइड पे एज पी प्लस एज के क्यू। नाउ वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब P और Q लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है, वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ P एंड Q। लेफ्ट साइड पे P का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री। P के साथ जो मल्टीपल हो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, P का कोएफिशिएंट थ्री है, राइट पे P का कोएफिशिएंट एच है, तो सो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट एच इज इक्वल टू थ्री आ गया है।
कंपेयरिंग द ऑप्शन ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, लेफ्ट साइड पे क्यू का कॉफिशियंट 1 है, यहाँ पे क्यू का कॉफिशियंट जो है वो एच के है, क्यू के साथ क्या है एच के, तो लेफ्ट पे क्यू के साथ 1 है, तो सो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एच के, 1 इज इक्वल टू एच की वैल्यू 3 है, तो 3 के, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 3, तो वी विल राइट हियर 1 ओवर 3, दिस इज द आंसर।